क्लास टू के लिए फिर से साइंस लेकर आए हैं। जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे है ना, इनसाइड आवर बॉडी यानी कि इंटरनल ऑर्गेन्स, जिसमें हम लोग दो ऑर्गेन्स के बारे में पढ़े थे, स्टोमेक और लंग्स है ना। जो पढ़ चुके थे कि स्टोमेक भोजन को पचाने में मदद करता है, लंग्स सांस लेने में, ब्रीदिंग में मदद करता है। आज और दो पार्ट्स का बारे में पढ़ेंगे जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं। आइए देखें वे दोनों कौन कौन है। थर्ड इज ब्रेन, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में। ब्रेन जिसको हिंदी में मस्तिष्क या दिमाग कहते हैं। दिस ब्रेन इज इनसाइड आवर हेड, हमारे सिर के अंदर होता है, खोपड़ी के अंदर होता है। ब्रेन इज इनसाइड द स्कल, स्कल यानी कि खोपड़ी की हड्डी को स्कल कहते हैं। स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन, स्कल ब्रेन की सुरक्षा करती है, क्योंकि ब्रेन इज ए वेरी सॉफ्ट ऑर्गेन, ब्रेन बहुत ही कोमल अंग है ना। ब्रेन की बनावट इस तरह की होती है ना, जो काफी सॉफ्ट काफी कोमल होता है, इसलिए इसकी सुरक्षा के लिए हमारा सिर जो है कड़े बहुत हार्ड खोपड़ी से बना होता है, जिसके अंदर ब्रेन होते हैं। ये ब्रेन क्या करते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रेन, ब्रेन हमारे लिए क्या करता है। फंक्शन ऑफ ब्रेन टू थिंक एंड लर्न, कुछ भी चीज सोचने और सीखने में ब्रेन हमारी मदद करती है। ब्रेन की मदद से ही हम दिमाग से ही कुछ सीखते हैं, कुछ सोचते हैं ना। दूसरा है टू रिमेम्बर, याद रखना, हमें बहुत सारी चीजें याद रहती है, अपना नाम, अपना घर का पता, अपने माता पिता का नाम, उनका चेहरा, अपने गली मोहल्ले के लोग, सब को सबको हम पहचानते हैं, यानी कि वे सब याद रहते हैं मेमोरी में। तो याद रखने का काम भी ब्रेन ही करता है, कौन करता है, ब्रेन करता है। सो द फंक्शन ऑफ ब्रेन इज टू थिंक एंड लर्न एंड टू रिमेम्बर ऑल द थिंग्स, जो भी चीज हम याद रखते हैं ब्रेन में याद होता है। नेक्स्ट फोर्थ हम लोग को पढ़ना है हर्ट, हर्ट यानी कि हृदय, इसको क्या पढ़ेंगे, पढ़ेंगे हर्ट ना, जिसे हम हृदय कहते हैं है ना, दिल कहते हैं। इट इज ऑल्सो इनसाइड द चेस्ट, यह भी चेस्ट के अंदर ही होता है। इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि लंग्स आर ऑल्सो इनसाइड द चेस्ट ना, छाती के अंदर फेफड़े भी होते हैं और छाती के अंदर एक हार्ट भी होता है। हार्ट इज ए मस्कुलर पार्ट, इट इज मेड ऑफ मसल्स ओनली, यह केवल मांसपेशियों का बना होता है। सो इट इज ऑल्सो वेरी सॉफ्ट, इसलिए भी यह कोमल होता है। इट इज इनसाइड द चेस्ट कैविटी, छाती के अंदर होता है। इट इज ट्राइंगुलर, यह तिकोना होता है, कैसा होता है, तिकोना, ऊपर में चौड़ा और नीचे में पतला ना। और हार्ट के अंदर कई चैम्बर होते हैं, चार चैम्बर होते हैं, आगे पढ़ने को मिलेगा। ये हार्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण काम करता है, हार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ हार्ट, हार्ट के फंक्शन क्या है, इसके काम क्या है, सो देखिए। पहला काम है टू पंप द ब्लड, हार्ट इज ए पंपिंग ऑर्गेन, हार्ट एक पंप करने वाला अंग है, यह रक्त को पंप करता है, पिचकारी की तरह रक्त पर धक्का मारते रहता है। सेकेंड टू सेंड ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, अरे जब रक्त पर ब्लड पर खून को जब धक्का मारता है तो वह खून पूरे शरीर में सभी जगह पहुंचता है। तो ये हमारे हार्ट का काम है। हार्ट का काम क्या हो गया, द फंक्शन ऑफ हार्ट इज टू पंप द ब्लड एंड टू सेंड ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इस तरह से आज ब्रेन और हार्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, अभी और मसल्स और बोन के बारे में पढ़ना है, जो अगले लेक्चर में बताएंगे। आज आपके लिए एक टास्क है, राइट वन फंक्शन ऑफ ईच हार्ट एंड ब्रेन, हार्ट और ब्रेन का एक एक काम आपको लिखना है, और इसे आप लोग अपने नोटबुक में बनाने का प्रयास करेंगे और इसे लिख करके याद करेंगे। मिलते हैं फिर इसके अगले पार्ट के साथ।